अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा के बारे में। नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे, रमशा कहती है कि मामा मुझे एक बार सफ्तर से बात करनी ही होगी। रमशा की माँ कहती है कि उससे बात करके तुम क्या करोगी, वो क्या कर लेगा, वो तो फैजान को घर से निकाल देगा, तो फिर कहाँ तुम लोग जाओगे। जब तक ये बात छुपती है छुपी रहने दो, चलो हमें चार पैसे मिल रहे हैं तो वो मिलते रहेंगे। रमशा कहती है कि नहीं मामा, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ़ फैज़ान का साथ चाहिए। रमशा की माँ कहती है तू पागल तो नहीं हो गई है, अगर पैसे नहीं होंगे तो भला मैं अपना गुजारा कैसे करूँगी। रमशा कहती है कि अम्मी बहुत मुझे साल हो गए हैं आपको संभालते हुए, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे फैज़ान को पा लेने दें। नेक्स्ट सीन में आप लोग ये भी देखेंगे। फैज़ान कहता है खैर मुझे ये बताएं, हादिया को सब कुछ बताने की क्या ज़रूरत थी और आपने किस लिहाज से हादिया से बात की। रमशा की माँ कहती है क्योंकि मुझे मेरी बेटी का हक चाहिए था। तुम्हारा ये हक नहीं है क्या, तुम उसे अपने असल घर में लेके जाओ। फैज़ान कहता है कि रमशा का किसी चीज़ का भी हक नहीं है अगर बेसिकली बात की जाए तो, और दोबारा आप कभी भी हादिया से मेरे और अपने बारे में कोई बात नहीं करेंगी। तो ये सब आप देखेंगे आने वाली एपिसोड में।